हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी चाहते हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो हम लोग कैसे उसे एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप सोशल लाइफ में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहते हैं, सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें, आपकी कदर करें, आपको इम्पोर्टेंस दें, आपके जो भी रिलेशनशिप हैं आप उसमें अगर लव को, इंटीमेसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन डिज़ायर्ड रिजल्ट को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं विवेक राठौर, ऑथर ऑफ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड लाइफ स्ट्रेटजिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो फोकस है वो है कि हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। इसके लिए हमें एक बात समझना होगा, क्योंकि जो हैप्पीनेस है, जो पॉजिटिविटी है, वो ना बाई प्रोडक्ट होती है। हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग की लाइफ में हैप्पीनेस प्रोड्यूस होता है। तो एक वर्ड मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपकी हैप्पीनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, एंड दैट वर्ड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को जितना समझते हैं और जितना उसको पूरा करते हैं, उतना हम लोग को एक डीप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आती है। तो आज मैं आपसे चार तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँगा, जिसको आप समझ के डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करके अपनी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमें अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हमें अपना खुद का हमें ख्याल रखना होता है, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी ग्रोथ का, अपने करियर का, अपने हैप्पीनेस का। सबसे पहले हमें अपना, हमारे खुद के प्रति एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को कैसा निभा पा रहे हैं। हमारा जो परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में, आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं और अपना कितना ख्याल रख पा रहे हैं आप, अपनी हैप्पीनेस का, अपने ग्रोथ का, अपने पॉजिटिविटी का, आपका जो सेल्फ केयर है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इसको बोलते हैं हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो दूसरे नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बोलते हैं हमारी फैमिली। हमारी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे हमारी एक फैमिली होती है, उसमें जो भी हमारे जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी हो, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी आपका रोल है, लेकिन हम जिस भी परिवार के हिस्से हैं, उस परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। और स्पेशली अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आप पे जो डिपेंडेंट हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जिम्मेदारी को कितना अच्छे से निभा पा रहे हैं। जो भी उनको लव की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, उनका देख रेख करना, ये जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, आप इसको जितने अच्छे से निभाएंगे, उतना आपके जो पारिवारिक सुख है, जो फैमिली प्लेजर है, जो फैमिली हैप्पीनेस है, उतना आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हम सब किसी कम्युनिटी से आते हैं। अपनी कम्युनिटी को कैसे भी रिलेट कर सकते हो अपने आप, चाहे उसको आप अपने रिलेटिव्स की कम्युनिटी आप की तरह देखो आप, चाहे अपने आप कास्ट की कम्युनिटी पे आप जाओ, चाहे आप अपने रिलीजियस कम्युनिटी पे जाओ, किसी भी कम्युनिटी को आप किसी भी चीज़ को आप अपनी कम्युनिटी की तरफ रेफर कर सकते हो आप। तो आपको ये देखना है कि जैसे आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी जो कम्युनिटी है, उसके प्रति भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अच्छा काम करें ताकि जितना आप ग्रो करते हैं, आपकी जो कम्युनिटी है वो भी प्राउड फील करती है, या उसे भी प्राउड फील करना चाहिए। और अगर आपकी कम्युनिटी में कोई भी गलत करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एज ए सोशल पर्सन, हम लोग वहाँ पे उनको अपोज करें, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है वो बदनाम ना हो। तो दिस इज़ कॉल्ड द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ द कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम लोग और डिटेल में फ्यूचर में बात कर सकते हैं। एंड देन कम्स द फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, सोसाइटी होता क्या है, जैसे हमारा एक परिवार है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, जो हमारा ब्लड रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, उसको भी हमें एक परिवार की तरह देखना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो परिवार है, घर में होता है, लेकिन हम लोग 24 आवर घर में नहीं होते, हम लोग घर से बाहर भी निकलते हैं। तो जो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो आप उसको ऐसे समझिए कि आप अपने छोटे परिवार से बड़े परिवार में आ गए। तो हमारी जो सोसाइटी है, उसे भी हमें फैमिली की तरह देखना चाहिए, और हमें उसके लिए भी हमें कुछ वर्क करना चाहिए, उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब वो कंट्रीब्यूट कैसे करें, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप वो वहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नॉलेज वाइज कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी लीडरशिप क्वालिटी के लोग होते हैं, जिनकी नॉलेज एक अच्छे लेवल की होती है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करे, खुश रहे,
वो अपने नॉलेज से, जो भी चीज़ें उनके पास है, उनके पास जो भी नॉलेज है, चाहे वो उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ की उनके पास नॉलेज है, उसको अपनी सोसाइटी से शेयर करके, या एक बार हम लोग एक गिविंग मोड में आते हैं तो हम लोग बहुत से तरीके ढूंढ लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को भी एक फैमिली की तरह देखना चाहिए, और हमारी जैसे फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही हमारी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप इन चार रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, पहली आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी आपकी जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इन चारों जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि आप इन चारों जिम्मेदारी को पूरी कर पाएं, तो आपकी लाइफ में खुशियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह का एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू।